हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ गर्मियों की खास रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एकदम बाजार जैसी मैंगो स्लाइस, यानी एकदम फ्रूटी जैसा टेस्ट है, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में इसे हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यह है मार्केट जैसा ही बनकर घर पर तैयार होगा, और यह सिर्फ दो ही चीज़ों से बनकर तैयार होगा, और इसे हम महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ कि इसे हम महीने भर कैसे स्टोर कर सकते हैं और एकदम बाजार जैसा टेस्ट आएगा। और बच्चों को आप पिलाओगे तो बच्चे भी बता नहीं पाएंगे कि इसे हमने घर पर तैयार किया है। तो नमस्ते, मैं प्रेम और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए दो आम लिए हैं, वजन में देखे तो ये 500 ग्राम के जितने हैं, और पहले मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया यानी साफ़ कर लिया है। और दो ही मैंने यहाँ पर देखिए कैरी ली है, और कैरी ये छोटे साइज़ की कैरी हैं। यदि आपके पास बड़े साइज़ की कैरी हो तो आप एक ही कैरी लें। तो कैरी को भी हम अच्छे से धो लेंगे, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करने के बाद हम इनका छिलका हटा देंगे। और यहाँ पर देखिए हम आम को भी कट कर लेंगे और कैरी को भी कट कर लेंगे। तो मैंने दोनों चीज़ों को तैयार कर लिया है। तो इस तरह हमें इनका जो पल्प है वो निकाल लेना है, यानी हमें दोनों चीज़ों को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हम लेते हैं मिक्सी का जार। तो मिक्सी के जार में हमने जो आम कट किया है उसको हम डाल देंगे। तो सभी आम को हमें इसमें डाल देना है, और आम डालने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है आधा गिलास पानी, क्योंकि आधा गिलास पानी डालने से जो हमारे आम है वो अच्छे से पिस जाएंगे। और ढक्कन लगाकर हम इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। तो हमें इनका एक अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने मैंगो को अच्छे से पीस लिया है, तो इस तरह हमें तैयार कर लेना है। तो इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। तो देखिए कितना अच्छा पीसकर तैयार हुआ है। तो अब यहाँ पर हम उसी मिक्सी के जार में कैरी को भी पीस लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैरी को और आम को एक साथ क्यों नहीं पीसा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैरी को और आम को इसलिए एक साथ नहीं पीसा क्योंकि जो जार है वो छोटा है और दोनों एक साथ नहीं आते, यानी हमारा जो बैटर है वो बाहर निकलता। तो इसे भी हम पानी डालकर एक साथ पीस लेंगे। यदि आपका जार बड़ा है तो आप दोनों को एक साथ पीस सकते हैं। तो देखिए इसका भी हमें अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक कढ़ाई रख दी है, और इसमें हम डाल देंगे आम को, और उसी में हम डालेंगे कैरी को, और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए जार में अभी थोड़ा सा मिश्रण लगा हुआ है, तो हम इसमें एक गिलास पानी डालकर इसे अच्छे से इसमें डाल देंगे, और सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है, यानी हमें इसे 4 से 5 मिनट पकाना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करके अच्छे से इसे 4 से 5 मिनट पका लिया है। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं चीनी। तो मैंने चीनी आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा लिया है, आप अपने अनुसार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी को डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए मैं आपको दिखा दूं कि मैंने जैसे ही चीनी डाली है तो जो हमारा मैंगो का रस है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा दिखने लग गया है, यानी इसका एक अलग सा कलर चेंज हो गया है। तो चीनी डालने के बाद भी हमें इसे 3 से 4 मिनट और चलाना है। तो देखिए मुझे यहाँ हो गए हैं 3 से 4 मिनट। अब यहाँ हम लेंगे एक चम्मच विनेगर, जो वाइट वाला विनेगर आता है मैंने वो विनेगर लिया है, और आधा नींबू का रस लेंगे, और दोनों चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू का भी रस डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने विनेगर यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि हम इसे महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं। विनेगर से ये महीने भर चल सकता है, यानी ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे 4 से 5 मिनट और हो गए हैं इसे चलाते हुए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे पता लगेगा कि हमारा जो बैटर है वो पक गया है, यानी साइड में एक हल्की सी परत आ जाएगी। तो ये देखिए हमारा जो मिश्रण है वो अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद। अब यहाँ पर हम देखिए एक बर्तन लेंगे, और यहाँ पर हम मैंने लिया है एक छन्नी, बड़ी छन्नी ली है। आपके पास इस तरह की एक छन्नी ना हो तो आप आटा छानने वाली छन्नी भी ले सकते हैं, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर इसे अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि इसमें जो मोटे मोटे पार्ट्स होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे, इसमें अंदर नहीं घुलेंगे।
तो इस तरह हमें देखिए अच्छे से इसे दबा दबा कर अच्छे से छान लेना है। तो इसी तरह मैं जो बाकी का बचा हुआ बैटर है उसको डाल दूंगी और उसे भी हमें अच्छे से छान लेना है। तो इस तरह छानने से देखिए जो इसमें जो भी कोई पार्ट रह रहा है यानी मोटे मोटे जो टुकड़े रह रहे हैं वो छलनी में रह जाएंगे। और इस तरह हमें देखिए अच्छे से छान लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो ऊपर कितने मोटे मोटे टुकड़े हैं वो रह गए, इसे हम साइड में कर देंगे। और जो मार्केट में फ्रूटी मिलती है उसका एकदम ऐसा ही टेस्ट रहता है, इसे हम झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे हम देखिए अलग हटा देंगे। अब यहाँ पर हम इसे अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये थोड़ा थिक लग रहा है तो हम इसमें और पानी डालेंगे। तो मैंने इसमें देखिए अभी 2 गिलास पानी डाला है। तो यहाँ पर हम 2 आम से ही 2 से 3 लीटर फ्रूटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम इसकी कंसिस्टेंसी बाजार जैसी लग रही है, यानी जो मैंगो फ्रूटी होती है उसके जैसी ही लग रही है। और इसमें टेस्ट भी एकदम बाजार जैसी मैंगो फ्रूटी जैसा टेस्ट आएगा। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 आम से 6 से 7 गिलास आराम से बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसे महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं और जब जी चाहे तब इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो इसे हमें फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए, और जैसे ही ठंडी हो जाएगी उसके बाद हमें इसे पीना है। तो देखने से ही आपको लग रहा होगा कितनी टेस्टी बनी है। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।